मिल गए मंजू मामी लोग सब लोग। दिस इज अंपुरा ना, दैट इज पता लो। तो अभी हम लोग लगे हैं लाइन में, काफी लंबी लाइन है। जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े बहने होंगे ऐसे मिल रहे हो तुम लोग। हाँ यार, जहाँ से सूर्य की किरणें मंदिर के अंदर पड़ती हैं। हाँ भैया, क्या बता रहे हो, मंदिर के अंदर कुछ बता रहे हैं? अनिल पोटरिका ब्लॉग में आपका स्वागत और हार्दिक स्वागत स्वागत और अभिनंदन है सभी लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे सब लोग? तुम बढ़िया होंगे? तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ सूर्य मंदिर कटारमल, कोसी के ऊपर है जो। तो अभी और लोग भी आ रहे हैं साथ में, क्योंकि आज ना एक मेला जैसा लगता है वहाँ, क्योंकि आज पूस के महीने का लास्ट इतवार होता है, तो उस दिन वहाँ भंडारा होता है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। हर साल जाते हैं हम लगभग, तो आज भी जा रहे हैं। तो साथ में और आ रहे हैं, ज्योति है और प्रिंस और भांजी दिव्या। तुम गए हो पहले? हाँ पहले गए हैं, तब छोटे थे थोड़ा। तुम उसी दिन एक ही बार गए ना तुम? हाँ दूसरी बार है ना? हाँ दूसरी बार है। रहे थे और नीचे लटवाल गांव के नीचे जैसे पहुंचे हम, यहाँ पर गाड़ी रुकी थी और मिल गए मंजू मामी लोग सब लोग। तो मैंने कहा यार ये पहले पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ देखा कि ये लोग भी हमारे तरह लेट हो रखे हैं। हम साथ चलते हैं, मैं फोन करने वाला था, मैंने कहा चलो पहुंच गए मंदिर में मिलेंगे, सब मिलते हैं। तो सब लोग मिल चुके हैं यहाँ पर। और ये रहे हमारे कन्नूदा, कन्नूदा ब्लॉग, जय श्री राम। हाँ कल शाम हम जो है ना, हम गए थे देवभूमि दर्शन, देवभूमि के रंग वहाँ गए थे रेंगल में। तो आप भजन कीर्तन किया, एक गाना ऐसा आ गया, दिस इज अंपुरा ना, दैट इज पता लो। वो पता लो ना, जो है पूरी रात बिता दी, 4:30 बजे तक नींद नहीं आई, जैसा हो गया हो गया, क्या बोला आंखों में भी लाल है। 3 बजे तो तुमने रील लगाई थी। और बाकी लोग हैं, सभी को नमस्कार, बाकी देवभूमि की टीम नमस्कार सर, ठीक हो? बाकी सब लोग हैं और बाकी बच्चे बैठे हैं गाड़ी में। गाड़ी नीचे पार्क करके हम लोग आ गए ऊपर को, क्योंकि गाड़ी आज ना थोड़ा नीचे खड़ी करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो गाड़ी थोड़ा नीचे लगानी पड़ी हमें। तो इसी वजह से हमें पैदल चलना थोड़ा ज़्यादा हो गया ना हमारा। तो अभी हम लगे हैं जो मंदिर का रास्ता है, नहीं तो गाड़ी जाती है उधर, उधर सामने नहीं है, उधर से बहुत शॉर्ट होता है। तो अभी हमें मेन रास्ते से आना पड़ रहा है। आज भीड़ काफ़ी है सुनने में आ रहे हैं, शायद दिख भी रही है यहाँ से, बाकी और लोग सब पीछे से आ रहे हैं। ये कौन है? कन्नूदा की लड़की। अरे आओ, चाय चाय पर, चाय पानी ऊपर है, चाय पानी ऊपर है। अभी हम लोग लगे हैं लाइन में, काफ़ी लंबी लाइन है, तो दर्शन पता नहीं कब तक होंगे। कन्नूदा मेरे पीछे सबको हंसाते रहे हैं। उत्तराखंड का जो आदमी होता है ना, वो काफ़ी मेहनत, मेरे आगे हमारे आगे कम से कम 150 आदमी, उसके बाद भी हम लाइन में खड़े हैं। अब वहाँ जब तक हम वो भगवान के दर्शन का, तब तक यहाँ भंडारा खत्म हो जाता है, हमने खाना है कोशी। ये तो हमने सोच लिया है, तुम्हारे लिए बचा देंगे, मुझे फोन कर दूंगा। रायता पकौड़ी खानी है, हलवा तो मुश्किल है, क्या की खीर खिलाएंगे वह, फूल मिल जाए भगवान का उसी में खुश है। तो लाइन में लगे यार, कब तक आते हैं दर्शन के नंबर? ये देखो, दो बहनों का मिलन हो रहा है अभी, ऐसे मिल जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े बहने होंगे, ऐसे मिल रहे हो तुम लोग। तुमने दर्शन कर लिए? कन्नूदा कब से याद कर रहे थे आपको, गंगा नहीं आई करके? तो यार हम लाइन में लगे थे और मिल गए मोहित भैया, ये हमेशा हमेशा हम फर्स्ट पहुंच जाते हैं, शादी वगैरह भी हमसे पहले लगे थे और आज भी दर्शन कर लिए। हाँ यार, इनके जान बचाने सीखता है बढ़िया। तो घर पर जाने लगेगा अभी, तो रुको यार, शाम में जाएंगे अभी, उनका टाइम हो गया है। तो यार सही है यार, हमेशा लेते हैं। तो इधर न्यूज वाले ले रहे हैं कुछ इंटरव्यू मंजू मामी का और मोहनदा का तो हो गया है।
तो हम लोग लाइन में आगे बढ़ ही रहते हैं, हमें एक चीज दिखी, तो यही वो छिद्र है जहाँ से सूर्य की किरणें मंदिर के अंदर पड़ती हैं, ये है देखो यार, सीधे अंदर जाते हैं। तो यार यहाँ हमारे भाई लोग भी पहुँचे सब लोग, ये पंकु भाई। हाँ भैया क्या बता रहे हो, मंदिर के बारे में कुछ बता रहे हैं? बताओ यार। नहीं इनको पता था, अभी बता रहे थे ना। पंकु भैया जानते हैं यहाँ के बारे में, उनको सब जानते हैं। मंदिर के बारे में बताओ, बच्चे आप बताओ। पता है जो आप अभी क्या बता रहे थे, पत्थर किसी से? हम किसी से नहीं कहेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो यार फाइनली मैं जो है, हम अभी है सूर्य मंदिर कटारन में, और आप देख सकते हैं मैं अनिल फोटर का अभी ब्लॉग से अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी सभी जने यहाँ पर जो है सूर्य मंदिर का आनंद ले रहे हैं। सूर्य मंदिर कटारमल जो है काफ़ी अद्भुत मंदिर है, और हमारे साथ सभी बच्चे आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा मंदिर का व्यू। अब तो यहाँ भीड़ कम हो गई है क्योंकि लोग बाग चले गए हैं, सुबह काफ़ी भीड़ थी इधर। और सूर्य मंदिर कटारमल जो है, आप लोग भी अगर इस बार अगर आप लोग आए नहीं हैं तो वीडियो के माध्यम से अगली बार जरूर आएँ। ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ये हमारी भाभी जी और ये इनके पति देव का मोबाइल, और ये हमारे संदीप दा यहाँ अनिल पोटरी का ब्लॉग में आपका स्वागत और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सभी लोग यहाँ पर। तो अब हम सभी जने जो है घर को जाएंगे, और भगवान से यही दुआ है कि हर साल यहाँ आते रहें। हर साल हम तो लगातार तीसरी बार यहाँ आ चुके हैं, तो वीडियो के माध्यम से आपने मंदिर अगर देखा तो अगली बार उसके लास्ट इतवार में आप लोग भी आए और मंदिर के दर्शन करें। कैसा लग रहा है संदीप दा? मंदिर की विषय में बता दीजिए फिर हम। ये मंदिर आती रात तैयार हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जहाँ ढेर सारे लोग तो भी हम लोग मंदिर से दर्शन वगैरह करके निकल दिए घर को। तुम कहीं जाओगे? हम तो घर को जाएंगे भैया। ऐसा है कोसी तक हमारा साथ है। हाँ। कोसी से क्योंकि सब लगा लेंगे, कौन कहाँ जाएगा फिर पता नहीं चलता वहाँ से। कोसी तक का पता है कि है साथ करके। इनको शायद अभी तंगेश्वरी मंदिर भी जा सकते हैं लोग, जा रहे हो वहाँ? हो सकता है। मैं कल गया था वहाँ कुंवारी मंदिर, मेरे कुछ काम था ना उससे ऊपर गाँव में। हाँ तो कल गया था वहाँ। रोड कच्ची हो रही है फिर? रोड कच्ची है। हाँ कच्चे लगा के मत जाना, कोई बात नहीं, भगवान के लिए तो हम कच्ची क्या पत्थर में चढ़ा देंगे। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में, सब लोग बैठ चुके हैं। ये रहा प्रिंस, अक्षय थोड़ा लेट में आया, सुबह दिखा नहीं होगा ये ब्लॉग में, और ये है दिव्या। दिव्या तो पहली बार आई आज मंदिर यहाँ? सेकंड है। पहली बार आई है? तो सेकंड है ये, पहली बार आ रही है ना? पहले किसके साथ आई थी? हमारे साथ आई थी, अर्जुन नहीं आई थी।
अरे हाँ उस दिन आई थी। क्या कह रही थी भैया? देव बोली बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में, ऐसा नया नया लाके अच्छा लग रहा है घूमने में नहीं जा रहा। स्कूल खुलने वाले हैं बेटा, फिर स्कूल में करोगे मजे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी मार्केट और आ गए हम निमी लोग की शॉप पे, निमी और गरिमा की शॉप पे। एक की नहीं कहता ना फिर लड़ेंगे। बाकी कन्नूदा मोहनदा लोग पहले से पहुंचे यहाँ एक शॉपिंग करने। क्या ले रहे हो? राइफल? हाँ वहाँ ले हो यार, हमारा थोड़ा सुनसान इलाका है ना वहाँ को लड़ाई। तो अभी वृंदा के लिए कुछ खिलौने दिख रहे हैं, बाकी उन्होंने अंदर रखा है स्टोर रूम में, बाकी बाहर लगे हैं कुछ। और ये है इनका, काया को पसंद आया कुछ? बाकी ये रहा गरिमा का पार्लर, देख लेता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ किसी से। और कन्नूदा ने ले लिया स्कूटर है, इसमें लोकल बुकिंग मानना आप ठीक है। आया जा अभी लॉकडाउन हो रहा है ना, जल्दी जीरो का आने सही है, रेंगल तो है एस2 पेट्रोल भी नहीं लगता है। चाबी भरो सीधे जल्दी का आईफोन ताकि मेरे फोन में। कन्नू ने स्कूटर ले लिया, बधाई दो उनको। अब चाय 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 थैंक यू। लो 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 लो, अरे लो। तो यार इन्होंने बना दी गर्मा गर्म चाय, जब भी यहाँ आते हैं बिना चाय भी पिलाए भेजते नहीं हैं। सही वाली चाय बहुत मस्त है, आप लोग पियो फिर। हम भी चाय पी रहे हैं, उनकी कैमरा बहुत संचा दंगो दिख रहे हैं। मैं तो कल अच्छा है, सब गोरे आ रहे हैं। आईफोन का कमाल ना, ना इसमें ना मैंने वो क्रीम भर रखा है तो अंदर ना सबके उसमें लगते रहता है थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मेरे तो वृंदा के लिए हमने ले लिया थोड़े खिलौने एक दो और इनसे लेते हैं विदा। चले फिर हम लोग भी ठीक है, फिर मिलते हैं। आप लोग बैठो फिर हम चलते हैं। गमला ले जाओ ना, ना तुम्हारे लिए नहीं है वो, खाली मजाक कर रहे थे वो। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ कोसी पेट्रोल पंप, तेल भरा लेते हैं यहाँ से। तो यार अभी शाम के हो रहे 5:30 और हम लोग पहुंच गए, घर पहुंच चुके हैं। कहाँ है वृंदा? कौन आया? मेरा है वो बंदर आ गया, बंदर प्रणाम बोल बोली मेरे को दे। क्या कैसी है गाड़ी है? अच्छी है गंदी है? अच्छी है। मेरे को दे दे इसको ला, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में बैठूं इसमें? नहीं मेरी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, मैं चलाऊं? ये छोटी गाड़ी है, मैं चलाऊं इसको? नहीं मुझे चाहिए। चलाऊं? ये नानी वाली है, देखो नीचे से नानी वाली है, देखो मैं बैठू इसके ऊपर बैठू? नहीं नीचे से चलाते हैं इसको। चले गई, जाओ पकड़ो पकड़ो।